हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अनदर इंट्राडे स्ट्रेटजी वीडियो। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक सीक्रेट इंट्राडे स्ट्रेटजी के बारे में जो आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसा ही और स्ट्रेटजी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ट्रेडर्स, इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर एक आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। यह स्ट्रेटजी में सिर्फ दो एक्सपोनशियल मूविंग एवरेज का यूज़ किया गया है। इसका स्ट्रेटजी का नाम है EMA चैनल और इस स्ट्रेटजी की मदद से हम इजिली से अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बहुत आसानी के तरीके से पहचान सकते हैं। जब जो है EMA चैनल से ऊपर प्राइस ट्रेड करते रहता है तब इसे हम अप ट्रेंड से माना जाता है और जब EMA चैनल के नीचे जो प्राइस जो है ट्रेड करते रहता है तब हम इसे डाउन ट्रेंड मानते हैं। और ट्रेडर्स, इस स्ट्रेटजी को यूज़ आप सिर्फ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ही यूज़ करें। आपको यह स्ट्रेटजी साइडवेज मार्केट में यूज़ नहीं करना है। यह स्ट्रेटजी साइडवेज मार्केट में फेल हो जाता है तो आप इसी बात को ध्यान में रखें। तो ट्रेडर्स, अब हम बात कर लेते हैं इस स्ट्रेटजी को हमें यूज़ कैसे करना है। तो ट्रेडर, सिंपली से आपको जो भी ब्रोकरेज यूज़ करते हैं उसमें आपको चार्ट को ओपन कर लेना है। तो हम फायर यूज़ करते हैं। इसमें जो ट्रेडर है इसमें इंट्राडे में बहुत ही कम ब्रोकरेज है। अगर आप भी अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो फायर्स में अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप अभी वहां जाके अपना फायर्स में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें बहुत ही कम इंट्राडे में ब्रोकरेज लगता है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो सिंपली से आपको चार्ट को ओपन करना है और उसमें इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है और वहां पे आपको सर्च मारना है EMA। सर्च मारते आपको देखने के लिए मिल जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल नाम का, तो उसमें चार्ट में अप्लाई कर लेना है। तो यहां पे हमें दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज पड़ेगा तो आप इसमें दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा ले। उसके बाद डन करते आपको फर्स्ट EMA में जाना है और उसके सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जो आपको लेंथ दिख रहा है उसको यहां पे 48 कर लेना है और सोर्स में जो क्लोज है इसको आपको हाई पे कर लेना है और उसके बाद उसको ओके कर लेना है। फिर से आपको सेकंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जाना है, उसके फिर से सेटिंग में जाना है। इसका लेंथ भी हम 48 रखेंगे और इसका जो सोर्स में हम इसको लो रखेंगे और इसको ओके कर देना। तो सिंपली से हमें चार्ट में आ गया है इंडिकेटर। जैसे देख सकते हैं ट्रेडर्स, EMA चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो यहां मान के चल सकते हैं ये अप ट्रेंड है और जैसे ही EMA चैनल के अगर नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है तो इसे हम डाउन ट्रेंड कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, इसमें हम जान लेते हैं हमें इसमें बाइंग पोजीशन कहां बनाना है। तो ट्रेडर्स, सिंपली से इसमें हमें बाइंग पोजीशन तब बनाना है जब ये EMA दोनों चैनल जो चल रहा है जब इसको प्राइस जो है ऊपर क्लोज कर चुका और उसके हाई पे हमको यहां पे बाइंग पोजीशन बनाना है और देख सकते हैं एक अच्छा टारगेट देखने के लिए मिल गया। तो ये इसमें हमारा बाइंग पोजीशन होगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि EMA चैनल के ऊपर प्राइस हमें ट्रेड करना चाहिए तब इसमें हमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। तो ट्रेडर्स, अब बात कर लेते हैं इसमें हमें सेलिंग पोजीशन कहाँ बनाना है। तो सेलिंग पोजीशन हमें तब बनाना है जब EMA चैनल के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि EMA चैनल के नीचे प्राइस आ गया है और इसको क्लोजिंग कैंडल पे हमें यहाँ पे लो पे आपको वहाँ शॉर्ट सेल पोजीशन बना लेना है। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा सा टारगेट देखने के लिए मिल गया है। तो शॉर्ट सेल पोजीशन आपको ध्यान रखना है कि EMA चैनल के नीचे हमें प्राइस जो है ट्रेड बंद होना चाहिए तब इसमें आपको वहाँ पर सेल पोजीशन बनाना है। तो ट्रेडर्स, बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट हम कैसे रखें। तो स्टॉप लॉस जो आपको EMA चैनल के अनुसार जो उसको ट्रेल करते रहना है और आपको जो टारगेट रखना है 1:2 का रख सकते हैं। तो आप इसे इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट भी कर सकते हैं तब आप ट्रेडिंग में यूज़ करें। तो ट्रेडर्स, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अभी जाके जुड़ सकते हैं।